नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीगो ई मित्रा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत एक बड़ी गुड न्यूज लेकर आए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो कि अपडेट आई है वो खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग से आई है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आपको जो पहले 10 किलो गेहूं मिलते थे, उनमें से दोस्तों 5 किलो गेहूं बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, पीएम गरीब कल्याण योजना बंद हो गई है। खाद्य सुरक्षा अब हर महीने सदस्यों को 10 की जगह 5 किलो ही गेहूं मिलेगा। और दोस्तों, पहले जो 10 किलो आपको गेहूं मिलते थे, उनके 2 रुपए शुल्क लिया जाता था। अब जो 5 किलो आपको गेहूं मिलेंगे, वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित 2,90,000 से अधिक परिवारों के सदस्यों को जनवरी से प्रधानमंत्री कल्याण योजना का जो 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं नहीं मिलेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से कोविड के समय में जो गेहूं शुरू किए गए, उस योजना को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब सदस्यों को खाद्य सुरक्षा में 2 रुपए किलो की दर से मिलने वाले जो 5 किलो गेहूं, वो भी आपको निःशुल्क उपलब्ध होगा। उसके भी आपके कोई पैसे नहीं लेंगे। अभी तक दोनों योजनाओं को मिलाकर प्रति व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मिलता था, और केंद्र सरकार योजना को जो है, उस योजना में जो आपको 5 किलो गेहूं मिलते थे और 5 किलो जो राज्य सरकार के, तो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 किलो गेहूं बंद कर दिया गया है। अब आपको जो 5 किलो गेहूं मिलेगा, उसमें आपके बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि 5 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध होगा। यदि कोई राशि लेता है तो रसद विभाग को इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब तक निःशुल्क योजना के बाद भी रुपये लेकर गेहूं देने के मामले में 2 राशन कार्ड डीलर हैं, वो अंदर जा चुके हैं, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, सीडिंग भी शुरू हो गई है। अब 1 फरवरी से सीडिंग भी शुरू हो गई है, और मार्च में आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। मार्च से आपको 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने जितने भी पहले जो फॉर्म भर रखे हैं खाद्य सुरक्षा में, उनके जिसके भी फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं, उनको भी मार्च से गेहूं दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी दोस्तों अपडेट है कि अब आपको 10 किलो की जगह 5 किलो ही गेहूं दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे फॉर्म है अभी तक, जो कि खाद्य सुरक्षा में पहले 5-6 महीने भरे हुए हैं, वो बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे आवेदन है जो कि अप्रूव भी हो गए हैं। तो आवेदन ई मित्र को वापस भेज दिए गए हैं। और दोस्तों, गौरतलब है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार करती है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित मापदंडों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों में और 7 निष्कासन श्रेणियों के मापदंडों के आधार पर अपील प्रक्रिया से किया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक आदेश भी जारी हो चुका है। इस आदेश के तहत आपको मार्च माह 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति आपको गेहूं फ्री दिया जाएगा। आपके 2 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी जो AAY BPL एवं SBPL को निःशुल्क, और बाकी अदर वाले हैं उनको भी निःशुल्क गेहूं आपको वितरित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, और इनकी जो सीडिंग शुरू हो चुकी है, फरवरी आज से सीडिंग इनकी शुरू, और मार्च में आपको गेहूं मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने अगर फॉर्म भरा है, अगर आपका पेंडिंग है, तो एक बार जहां से भरवाया है, एक बार वहां चेक करवा लें कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।